डॉक्टर बहादुर लाल एसोसिएट प्रोफेसर सॉयल साइंस बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट थर्ड कोर्स एसएससीएसई 311 मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको पौधों में पोषक तत्वों के विशिष्ट कार्य और कमी के मुख्य लक्षणों के बारे में बताऊंगा। नाइट्रोजन मुख्य कार्य, पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक, सभी प्रोटीनों का आवश्यक अवयव, फसलों की व्यांत व उपज में वृद्धि। कमी के लक्षण, पौधों की बढ़वार में रुकावट, कल्लों की संख्या में कमी, पुरानी पत्तियां पीले रंग की हो जाना, उपज व फसल की गुणवत्ता खासकर प्रोटीन में कमी। उर्वरक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, एनपीके आदि जटिल उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की सप्लाई की जाती है। फास्फोरस P2O5 मुख्य कार्य, जड़ों की वृद्धि, कोशिका विभाजन, पौधों की वृद्धि, उपज वृद्धि में सहायक, फूलों के विकास के लिए तथा फसल शीघ्र पकने के लिए जरूरी होती है। कमी के लक्षण, पौधों की बढ़वार एवं जड़ों के विकास में रुकावट, पुरानी पत्तियां नीले रंग की व फसल देर से पकती है। उर्वरक फास्फोरस को DAP डाई अमोनियम फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, राक फास्फेट आदि उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम K2O मुख्य कार्य, प्रोटीन मंड तथा शर्करा के उत्पादन व प्रवाह को नियंत्रित करता है, पौधों का रोगों कीड़े मकोड़े पाला गिरने से बचाता है व फसल की गुणवत्ता में सुधार करता है। कमी के लक्षण, पुरानी पत्तियों की नोकों का रंग भूरा पड़ता है, तने कमजोर हो जाते हैं, धीमी वृद्धि हो जाती है, दाने सिकुड़ते हुए पत्तियों पर गिर जाते हैं। उर्वरक इसको म्यूरेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास, सल्गोमैग, NPK आदि जटिल उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम मुख्य कार्य, जड़ों के विकास एवं पौधे के अंगों की संरचना के लिए जरूरी है, शर्करा के प्रवाह में मदद करता है तथा पौधों में पानी की पूर्ति में सहायक होता है। कमी के लक्षण, नई पत्तियां सर्वप्रथम प्रभावित, कमजोर तने, अविकसित पुष्प का गिरना, मूंगफली में ठीक से दाने नहीं पड़ते हैं। उर्वरक जिसके रूप में इसकी पूर्ति की जाती है, जिप्सम चूना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सिंगल सुपर फास्फेट, बेसिक स्लैग आदि का प्रयोग करके इसकी कमी को दूर किया जाता है। मैग्नीशियम मुख्य कार्य, हरित लवक क्लोरोफिल का मुख्य अवयव है, पौधों की वृद्धि एवं उत्पादन के लिए आवश्यक है। कमी के लक्षण, पुरानी पत्तियां सर्वप्रथम प्रभावित, हरे रंग की कमी जिसके कारण पत्तियों की सिराओं के बीच पीलापन व कमजोर टहनियां हो जाती हैं। उर्वरक मैग्नीशियम सल्फेट, डोलोमाइट, अम्लीय मृदाओं में प्रयोग कर इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। गंधक या सल्फर मुख्य कार्य, मिथियोनिन सिस्टीन सिस्टाइन नामक जो एसेंशियल अमीनो एसिड है इनका अवयव है, जड़ ग्रंथियों में प्रोटीन व तेल के निर्माण में सहायक होता है। कमी के लक्षण, नई पत्तियां हल्की हरी व पीली, कठोर व भंगुर तने, कई लक्षण नाइट्रोजन की तरह ही होते हैं। उर्वरक गंधयुक्त सल्फर जैसे अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट सल्फेट, जिप्सम पाइराइट आदि का प्रयोग करने से इसकी कमी दूर हो जाती है। जिंक पौधों की मुख्य कार्य, जटिल क्रियाओं नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के उपयोग में सहायता करता है। कमी के लक्षण, पत्तियों पर सफ़ेद व पीले रंग की धारियां जो बाद में भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है, बालियां देर से निकलती हैं। धान में खैरा रोग इसकी कमी का प्रमुख लक्षण है, जिसको खैरा डिजीज के नाम से भी जाना जाता है।
विशेषकर तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती। उर्वरक जिंक सल्फेट, कार्बनिक खादों व जिंक युक्त परंपरागत उर्वरक जिंक क्लेट आदि का प्रयोग कर इसकी कमी को दूर किया जाता है। आयरन मुख्य कार्य जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जरूरी है। हरित लवक सरका या प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। कमी के लक्षण नई पत्तियों की सिराओं के बीच से हरे रंग का गायब होना, इसको आयरन क्लोरोसिस कहते हैं। अपलैंड धान की नर्सरी में पीलापन हो जाता है। उर्वरक फेरस सल्फेट, आयरन क्लेट आदि। यमयन या मैग्नीज मुख्य कार्य इंजाइमों की सक्रियता में वृद्धि, फास्फेट स्थानांतरण इंजाइमों को प्रभावी बनाने में उपापचय में भूमिका, क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख अवयव है। कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, हरिमाहीन धब्बे पड़ जाते हैं परंतु सिराएं हरी रहती हैं, अनाजों में पत्तियां भूरे रंग की व पारदर्शी हो जाती हैं, ऊतय छई भाग बन जाते हैं। उर्वरक मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीज क्लेट। कापर मुख्य कार्य अनेक इंजाइमों का संघटक है, कुछ जीवाणुओं और कवकों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, अप्रत्यक्ष रूप से पर्ण हरित के विकास में सहायक होता है। कमी के लक्षण सर्वप्रथम नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, पत्तियां गहरे पीले रंग की होकर बाद में पीली पड़ जाती हैं, जबकि सिराएं हल्की व गहरी रंग की रहती हैं, पत्तियां लचीली व हरिमाहीन होकर मुड़ जाती। उर्वरक कापर सल्फेट, कापर क्लेट। बोरान मुख्य कार्य नवीन अंगों के निर्माण, पौधों की जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं, कोशिका विभाजन में सहायक, पोटेशियम और कैल्शियम अनुपात को नियंत्रित करता है। कमी के लक्षण मोटी तथा भंगुर पत्तियां, फूलों कलियों आदि का गिरना, नई वृद्धि का सूख जाना, जड़ वाली फसलों में ब्राउन हार्ट रोग, फलों और बीजों को पूरी तरह न बन पाना, इसके कमी के मुख्य लक्षण हैं। उर्वरक बोरेक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। मॉलिब्डेनम मुख्य कार्य दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ावा देता है, नाइट्रोजन उपापचय में सहायक है, नाइट्रेट अपचयन के लिए सहायक है। कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों से प्रारंभ होकर अग्र सिरे की तरफ बढ़ते हैं, सिराओं के मध्य भाग में चमकीले पीले व पीले नारंगी धब्बे बन जाते हैं, पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। उर्वरक अमोनियम मॉलिब्डेट, सोडियम मॉलिब्डेट आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है।